हेलो नमस्कार दोस्तों, टेक चैंपियन किंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, यदि दोस्तों आपका फ़ोन है हैंग होकर चलता है, आपके जितने भी फ़ोन में जितनी भी प्ले स्टोर से जितनी भी आप अपने फ़ोन में ऐप को डाउनलोड करते हो, यदि दोस्तों आप अपने फ़ोन को हैंग होने से बचाना चाहते हो तो दोस्तों आपको पहले क्या करना पड़ेगा, अपने फ़ोन को अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट करने के बाद आपके फ़ोन की जितनी भी ऐप्स हैं वह कभी भी रुकेगी नहीं। आप अपने फ़ोन में गेम खेलते हो, पबजी खेलते हो, फ्री फायर खेलते हो, यदि आप अपने दोस्तों अपने फ़ोन को अपडेट कर लोगे तो आपका फ़ोन बिल्कुल बिल्कुल मड़ाई की तरह चलेगा। तो दोस्तों वीडियो को आपको ध्यान से देख लेना है, फ़ोन को कैसे अपडेट करना है, नए नए फीचर्स आपके अपडेट करने के आपके फ़ोन में आ रहे हैं, तो वीडियो को आपको ध्यान से देख लेना है। दोस्तों इससे पहले आपको क्या काम करना है, जो चैनल पर नए आए हैं आपको वीडियो के नीचे एक लाल कलर का बटन दिख रहा होगा उसको काला कर देना है और नोटिफिकेशन को दोस्तों ऑल कर देना है। इससे क्या होगा दोस्तों, जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों फ़ोन को अपडेट करने से पहले आपको क्या काम करना पड़ेगा, यदि आपको पूरे ही फ़ोन को अपडेट करना है तो दोस्तों आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सर्च का आइकन दिखेगा, आपको इस पे क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर आपको लिखना है सॉफ्टवेयर। दोस्तों यदि आपको यहाँ पर लिखकर भी आपके फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट ऑप्शन नहीं आ रहा है तो दोस्तों आपको यहाँ पर इसको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद जो आपके फ़ोन का जो अलग अलग फ़ोन में अलग अलग फंक्शन होते हैं दोस्तों, किसी फ़ोन में आता है सॉफ्टवेयर अपडेट, ठीक है दोस्तों ध्यान से देखना, और किसी फ़ोन में होता है आपको ध्यान से देख लेना है सिस्टम अपडेट। आपको जिस तरह का आपका फ़ोन है मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर यदि आपका सॉफ्टवेयर अपडेट होगा तो आपको उस पर क्लिक कर देना है, यदि आपके फ़ोन में सिस्टम अपडेट है तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। इतना काम करने के बाद दोस्तों यदि आपके फ़ोन में यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा होगा इंस्टॉल ऐप, ठीक है दोस्तों आपको उस पर ओके कर देना है। इससे क्या होगा, आपका फ़ोन रिस्टार्ट होके आपके फ़ोन के जितने भी आपकी एप्लीकेशन है वह सारी अपडेट हो जाएंगे। दोस्तों उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा सेटिंग का, इस पर क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखना है यदि आपके फ़ोन का अपडेट आ रखा होगा तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा अपडेट, ठीक है आपको इस पर क्लिक कर देना है, आपका जितना भी फ़ोन अपडेट फिर से हो जाएगा, आपको यहाँ पर ध्यान से देख लेना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं आपको दूसरे फ़ोन में दिखाता हूँ कि अपडेट का ऑप्शन कैसे आता है। दोस्तों मैं आपको दूसरे फ़ोन में दिखा देता हूँ कि अपडेट कैसे होता है फ़ोन। दोस्तों आपको अपने फ़ोन की दोबारा से अपने फ़ोन की सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ऐसे ही देखना है सिस्टम अपडेट, आपको उस पर क्लिक कर देना। दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा अपडेट अवेलेबल, यदि आपके पास ये ऑप्शन आ रहा होगा आपको इस पर क्लिक कर देना है। इतना काम करने के बाद दोस्तों आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा, आपको यहाँ पर दिखेगा डाउनलोड एंड इंस्टॉल। दोस्तों यहाँ पर क्या दिखा रहा है 4.75 GB, दोस्तों आपके फ़ोन में इतना अपडेट आया हुआ है। दोस्तों इतना काम करने के बाद दोस्तों क्या करना है आपको, डाउनलोड एंड इंस्टॉल दोस्तों इस पे आपको क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, जो आपका फ़ोन का जितना भी अपडेट आ रखा है आपका फ़ोन क्लीन हो जाएगा, आपका फ़ोन कभी भी हैंग नहीं होगा। आपको इस पे क्लिक कर देना है डाउनलोड एंड इंस्टॉल, इतना काम करने के बाद दोस्तों आपका फ़ोन अपडेट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, जो चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए रोज़ लेकर आता रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, मेरे चैनल पर एक कॉन्टैक्ट चल रहा है, जब भी मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं किसी एक बंदे को एक आईफोन गिफ्ट दूंगा, ठीक है, तो जिसके कमेंट मेरे चैनल पर सबसे ज़्यादा है। वीडियो पर रोज़ कमेंट करें, लाइक करें। ठीक है दोस्तों, चलिए आपका दिन शुभ हो।